हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजीव इन्फोटेक। आज के इस वीडियो का टॉपिक है पॉलिटी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस एग्ज़ाम के लिए। तो आप इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखें और समझें। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए आर्टिकल 73, ऑप्शन बी आर्टिकल 78, ऑप्शन सी आर्टिकल 79, ऑप्शन डी आर्टिकल 72। और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज़ आर्टिकल 79। आइए अदर ऑप्शंस के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। आर्टिकल 73 कहता है, प्रोवाइड्स दैट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल एक्सटेंड टू द मैटर्स विथ रिस्पेक्ट टू विच पार्लियामेंट हैज़ पावर टू मेक लॉज। आर्टिकल 78 कहता है, ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट्स द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट एसेट्रा। आर्टिकल 79, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, देयर शैल बी अ पार्लियामेंट ऑफ द यूनियन व्हिच शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेस टू बी नोन रिस्पेक्टिवली एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड द हाउस ऑफ द पीपल। आर्टिकल 72 बोलता है, सेज दैट द प्रेसिडेंट शैल हैव द पावर टू ग्रैंड पार्डन्स, रिप्राइव्स, रिस्पाइट्स और रिमिशंस ऑफ पनिशमेंट और टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग ए पर्सन शुड हैव प्रैक्टिस्ड इन हाई कोर्ट टू बी एलिजिबल टू अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए है 10 ईयर्स, ऑप्शन बी है 12 ईयर्स, ऑप्शन सी है 15 ईयर्स और ऑप्शन डी है 20 ईयर्स। और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ए, दैट इज़ 10 ईयर्स। आइए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। पहला है एलिजिबिलिटी ऑफ ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो पहला इसका एलिजिबिलिटी है, अ सिटीजन ऑफ इंडिया नॉट एक्सीडिंग 65 ईयर्स एज एज पर आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन टू है, अ जज ऑफ वन हाई कोर्ट और मोर कंटिन्यूसली फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स। और नंबर थ्री, एन एडवोकेट देयर फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स और अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, पावर कॉन्फर्ड बाई क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एलिजिबल टू बी रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए है, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट एंड स्टैट्यूटरी बॉडी। ऑप्शन बी, इट कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स हैविंग अ टेन्यूर ऑफ 6 ईयर्स। ऑप्शन सी, इट एक्ट्स एज ए कोर्ट फॉर आर्बिट्रेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू ग्रांटिंग ऑफ रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। ऑप्शन डी, बीइंग एन ऑल इंडिया बॉडी, इट इज़ ऑल्सो कंसर्न्ड विद द इलेक्शंस टू ग्राम पंचायत एंड स्टेट म्यूनिसिपालिटीज। और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है बी, दैट इज़ इट कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स हैविंग अ टेन्यूर ऑफ 6 ईयर्स। तो इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ जान लेते हैं एक्स्ट्रा। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्टरिंग इलेक्शन प्रोसेसेस इन इंडिया। द बॉडी एडमिनिस्टर्स इलेक्शंस टू द लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन इंडिया एंड द ऑफिसेस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इन द कंट्री। द इलेक्शन कमीशन ऑपरेट्स अंडर द अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर आर्टिकल 324 एंड सब्सिक्वेंटली इनेक्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट। बींग अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, इलेक्शन कमीशन इज अमंग्स द फ्यू इंस्टीट्यूशंस विच फंक्शन विद बोथ ऑटोनोमी एंड फ्रीडम अलॉन्ग विद द कंट्रीज हायर जुडिशियरी, द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। फोर्थ क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैंडिंग कमेटी। ऑप्शन ए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ऑप्शन बी एथिक्स कमेटी, ऑप्शन सी रेलवे कन्वेंशन कमेटी, ऑप्शन बी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है सी, दैट इज रेलवे कन्वेंशन कमेटी। तो आइए स्टैंडिंग कमेटी के बारे में जान लेते हैं। इन द इंडियन पार्लियामेंट, अ स्टैंडिंग कमेटी इज अ कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। इट इज़ अ परमानेंट एंड रेगुलर कमेटी विच इज constituted from time to time according to the provisions of an act of parliament or rules of procedure and conduct of business.
और रेलवे कन्वेंशन कमेटी क्या जान लेते हैं। द रेलवे कन्वेंशन कमेटी इज एन एडहॉक कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन अ रिजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय लोकसभा एंड कॉन्कर्ड बाय राज्यसभा। द चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर फ्रॉम अमंग्स द मेंबर्स ऑफ द कमेटी। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ टू बी अमेंडेड टू प्रोवाइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्टेट। ऑप्शन ए फर्स्ट शेड्यूल, ऑप्शन बी सेकेंड शेड्यूल, ऑप्शन सी थर्ड शेड्यूल, ऑप्शन डी नाइन्थ शेड्यूल। और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ए, दैट इज़ फर्स्ट शेड्यूल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल होते हैं, ये मैंने एक टेबल बनाया है, इसमें टोटल 12 शेड्यूल के बारे में लिखा गया है। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को पॉज करके सारा टेबल शेड्यूल के बारे में पढ़ लीजिए, देख लीजिए, तो आपको आइडिया हो जाएगा सारे शेड्यूल्स के बारे में।